महाराष्ट्र में नाफेड ने जुलाई में ही प्याज की खरीदी पूरी कर ली थी। राज्य में सबसे ज्यादा खरीदारी नासिक जिले में हुई थी। अब नाफेड के माध्यम से खरीदी हुई प्याज स्टोरेज में पड़े पड़े सड़ रही है। इस साल नाफेड ने 2,38,000 टन प्याज की खरीदी की थी। ये प्याज अभी तक बाजार में बिक्री के लिए नहीं लाया गया है और ये घोषणा की गई थी कि बफर स्टॉक में खरीदे और संग्रहित प्याज को अगस्त और दिसंबर के बीच सरकारी एजेंसियों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खुदरा विक्रेताओं को सप्लाई की जाएगी। लेकिन अब स्टोरेज किया हुआ प्याज लगभग सड़ चुका है। इसके अलावा किसानों के द्वारा भी स्टोरेज किए गए प्याज में बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने नाफेड के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत इस वर्ष के लिए 2,38,000 टन प्याज की खरीदी की है। नाफेड ने यह प्याज 13 जुलाई तक खरीदा था। ये प्याज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के फेडरेशन के माध्यम से खरीदा गया था। खरीदे गए प्याज को स्टोरेज में रखा जाता है, लेकिन इसमें अब बड़ी नमी और जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण प्याज सड़ रहा है। प्याज में से काला पानी निकल रहा है। करीब 50% प्याज खराब होने की खबर है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस तरह से प्याज को हो रहे नुकसान से आने वाले दिनों में प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। असल में 6 महीने पहले स्टोरेज किया गया ग्रीष्मकालीन प्याज का हाल बेहाल है। इस साल प्रकृति की बेरुखी, बदलते मौसम और भारी बारिश के कारण प्याज खराब हो रहा है। साथ ही नए खरीफ प्याज की खेती भी कम हो रही है, जिसके चलते अगले सीजन में उत्पादन कम होने की संभावना है और इसके चलते उम्मीद की जा रही है कि प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर नाफेड के माध्यम से प्याज खरीदने का अनुरोध किया था। नाफेड पहले ही 2,38,000 टन प्याज खरीद चुका है। मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि इसे 2 लाख टन और बढ़ाया जाए। हालांकि इस फैसले से महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन ने नाराजगी व्यक्त की थी। उनका कहना था कि इस साल वैसे भी नाफेड ने कम दामों में प्याज खरीदा था और स्टोरेज किए हुए प्याज अब सड़ रहे हैं। ऐसे में संघ इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और व्यापारियों का कहना है कि इसी तरह अगर प्याज खराब होता रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।